ये केवल का बच्चा भी ना मेरी इतनी महंगी गोरिल्ला वाली ड्रेस यहीं छोड़कर चला गया। गधा कहीं का, क्या करूं, इस ड्रेस को कहां रखूं, कितनी भारी है। आइडिया, मैं इस ड्रेस को पहन लेता हूं तो फिर वो बड़ा गोरिल्ला है ना, वो मुझे अपना फैमिली मेंबर समझेगा और मुझे कुछ करेगा भी नहीं, और इसे ढूंढने की जरूरत भी नहीं। वाह मोंटू वाह, दिमाग हो तो तेरे जैसा। रहा वो गोलू, है आ रहा वो इसी ओर, आ जाएगा जैसे वो यहाँ, डाल दूंगा मैं ये रेत से भरी बोरी उसके ऊपर। बहुत हो गया, अब तुम्हारी बुराई के साथ साथ मैं तुम्हारा भी अंत करूंगा। हतुबा, बुराई की ताकत अच्छाई और सच्चाई को कभी नहीं हरा सकती, और आज मैं तेरी बुराई के साथ साथ तेरा भी अंत करूंगा। गोलू हट जाओ बीच में से। मैं समझ गया गोलू, तुम कहना चाहते हो कि मैं इस हतुबा पर वार ना करूं और इसे जाने। देखो हतुबा, देखो इस बच्ची का दिल कितना बड़ा है,
तुम इसके माता पिता के इतने बड़े दुश्मन, उन्हें इतनी तकलीफ दे रहे हो, फिर भी ये चाहता है कि मैं तुम पर वार ना करूं। तुम्हें जाने दे, ये तुम्हें बचाना चाहता है। शक्तिशाली होना अच्छा है हतोबा, लेकिन अपनी शक्ति का घमंड होना ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपनी शक्ति का उपयोग वानर लोक की सुरक्षा और सच्चाई और अच्छाई की मदद के लिए करो, लेकिन तुम उससे अपनी बुराई मत फैला। सच्चाई और अच्छाई का साथ दो हतोबा, सच्चाई और अच्छाई का। गोलू मुझे माफ कर दे। गोलू तुम अपने माता पिता की तरह बहुत अच्छे हो, और आज के बाद मैं भी तुम सब की तरह हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ दूंगा, ये वादा है हतोबा का। मुझे माफ कर दो बालवीर। मुझसे माफी मत मांगो हतोबा, राजा जोरीला और रानी जोरीली से माफी मांगो। मानो मैं गोलू को उसके माता पिता के पास छोड़कर आता हूँ। ठीक है बालवीर, चलो गोलू। राजा जोरीला, रानी जोरीली, मैंने आप दोनों से वादा किया था कि मैं आपके पुत्र गोलू को सही सलाम आपके पास लेकर आऊंगा, और मैंने अपना वादा निभाया। बालवीर, तुम सच्चाई और अच्छाई के वो सूरज हो जिसका प्रकाश कभी कम नहीं हो सकता। हाँ बालवीर, जब तक तुम हो दुनिया में किसी भी माता पिता को अपने बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, देखो अपना गोलू बोलने लगा। हाँ, माँ बोलने से पहले इसने बीबी भी बोलना सीख लिया। राजा जोरीला, रानी जोरीली, हम बहुत खुश हैं कि आपका पुत्र गोलू सुरक्षित वापस आ गया। हाँ तो बच्चों, अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेस्टीज स्पोर्ट्स टीम के बच्चे आने वाले हैं। आप लोगों को इंटर स्कूल स्पोर्ट चैंपियनशिप में इनवाइट करने के लिए। इंडिया की स्पोर्ट्स टीम, और ये है उनके कप्तान विक्की शिनॉय। ये आपको इनवाइट करेंगे। नो सर, मैं आप लोग को इंटर स्कूल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में इनवाइट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि हमारी स्कूल पिछले 5 साल से ये कंपटीशन जीतती आ रही, और हाँ, कभी भी सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल नहीं, ओनली गोल्ड मेडल। लेकिन तुम्हारे स्कूल पिछले 5 साल से जीतना तो दूर,
क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही है। इसलिए मेरा नॉट फ्रेंडली एडवाइस है कि आप लोग ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत। आप ही लोग के लिए अच्छा होगा। हे मिस्टर विक्की, तूने तेरे बारे में तो बता दिया ना, तो मोंटी द ग्रेटेस्ट लखानी के बारे में सोच। मोंटी द ग्रेटेस्ट लखानी को जो भी कहा जाता है ना, वो उसका हमेशा उल्टा करता है। हाँ, हाँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें चैलेंज करो, वो भी हमारे स्कूल में आकर, तो हमारा भी चैलेंज है कि हम इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे, मतलब लेंगे। हाँ, और इतना ही नहीं, हम तुम्हें हराएंगे भी। हाँ, और तुम्हें गोल्ड मेडल तो क्या, ब्रोंज मेडल भी नहीं मिलेगा, देख लेना। हम तुम लोग को इतनी बुरी तरह से हराएंगे कि तुम लोग रिसेस में लंगड़ी और पकड़ा पकड़ी खेलने लायक भी नहीं रहोगे। हम लोग तुम्हें जीतने नहीं। बच्चों चुप हो जाओ। सॉरी सर, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। ये सिर्फ हमारी नहीं, हमारे स्कूल की भी इंसल्ट कर रहे हैं। हाँ। बैठो, मोंटू बैठो। जोश अच्छा है, लेकिन लगता है कि तुम लोग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को मजाक समझ रहे हो। लेकिन अब देखना, मेरी ये टीम ग्राउंड में तुम्हारी वो हालत करेगी कि तुम सब लोग देखते रह जाओ। बच्चों, तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया। सॉरी सर। और हाँ बच्चों, मुझे तुम लोगों से एक बात और करनी है। शायद अब मैं तुम्हारे स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ। अरे, जब स्कूल में कोई स्पोर्ट्स ही नहीं होगा तो स्पोर्ट्स टीचर की क्या जरूरत है? ये मैनेजमेंट का कहना है, और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि इस साल हम लोग कोई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे। बल्कि मैनेजमेंट तो ये भी कह रही है कि आज से अभी से स्कूल में नो स्पोर्ट्स अलाउड, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई पे ही ध्यान दिया जाएगा। No, but. Sir. मिला? नहीं बाबू जी, ढूंढ रहा हूँ, दिख नहीं रहा है। ए, क्या दिख नहीं रहा है, तेरे मोबाइल है कि चूहा है? बाबू जी, चूहे को याद मत दिलाओ बाबू जी, ये दिख रहा है, ये यहाँ पर होगा। इसे ढूंढना, उस तरफ देख, उस तरफ। सुखी रहो, लिव सॉन्ग। लिव सॉन्ग नहीं, लिव लॉन्ग। हाँ वही, सेम टू सेम। पर आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? मैं तुम्हारे पैर नहीं छू रहा हूँ, मैं गिर गया हूँ, मुझे उठाओ। अरे बापरे, हाँ
बाबूजी प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मैं खेल रहा हूँ। क्या हुआ महेश, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? वीडियो गेम लाके दिया ना, इसलिए मैं खेल रहा हूँ। अब महेश ओके सर, प्लीज कीप साइलेंस, नो मींस नो। देखिए हमारे मैनेजमेंट का ये फाइनल डिसीजन है, हम स्पोर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे, दैट्स इट। सर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्लीज। हाँ सर, हम भी करना चाहते हैं। वन सेकंड, किस लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? हारने के लिए? स्पोर्ट्स में वैसे भी हमारे स्कूल का नाम बहुत ज्यादा खराब है, पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं, बड़ी इंसल्ट होती है हमारे स्कूल की। इसलिए हम मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है कि किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में हमारा स्कूल कोई हिस्सा नहीं लेगा और ना ही स्कूल में कोई स्पोर्ट्स का पीरियड होगा। नहीं सर, ऐसा मत कहिए प्लीज, हम लोग एक बार कहा ना नहीं तो नहीं। हम मैनेजमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि स्पोर्ट्स के बदले में पढ़ाई का एक्स्ट्रा क्लास लिया जाएगा और हाँ, ये प्लेग्राउंड में नए क्लासरूम बनवाए जाएंगे और नए बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा ताकि वो पढ़ लिख कर बड़े हो सके। और वैसे भी हमारा मानना यह है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो जिंदगी है खराब। सो ओनली स्टडी, नो स्पोर्ट नो गेम, अंडरस्टैंड?